तो शुरू करते हैं फिर। नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीबीआर स्टडी में। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 9 की एनसीईआरटी गणित, जिसमें अभी तक एक्सरसाइज 2.5 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, वहां तक ना। और 2.5 में 7 क्वेश्चन हो चुके थे, 8वां क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ेंगे। तो बेटा, 8वां क्वेश्चन आपके सामने दिया है, आप सबको दिख रहा है। कह रहा कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड को बेटा इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फैक्टर बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं ना। तो ये भैया नंबर तो छोटा सा है नहीं कि फैक्टर कर लोगे तुम एक चुटकी में, नहीं ऐसे तो होने वाला है नहीं। हाँ, जैसे मान लो मैंने दे दिया कि 35, तो बेटा तुम लिख दो 35 को 5 × 7, तो ये क्या हो गया? 35 का फैक्टर हो गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझो, ये जो इतना बड़ा गुणनखंड है, ये ऐसे तो सीधा सीधा होने वाला है नहीं, ऐसे तो सीधा सीधा होने वाला है नहीं। तो क्या करेंगे इसको फिर हम? देखो समझो, यहां से सभी समझो, हमने आप लोगों को सर्वसमिका पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था बच्चा? सर्वसमिका पढ़ाया था, आइडेंटिटी पढ़ाया था, बोला था कि याद कर लो इसे। लेकिन तुम लोगों में से अधिकांश लोगों के जू नहीं रहेंगी कान पे, नहीं चाचा रहेंगी नहीं। तो चलो देखो फिर कौन है ये नलायक आ गया है, रोज रोज करता रहता है ये, फोन पे फोन कर रहा है। चलो देखो, तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें छिपा है क्या? 2a³, ये b³, यानी ये लग रहा है इसमें सूत्र छिपा है। क्यों भैया, छिपा है कि नहीं? हाँ छिपा है ना बच्चा। तो देखो एक बात बताओ मुझे, 8a³, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? सभी बोलो हाँ, इसे ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा, लिख सकते हैं ना बचवा। जैसे 8 को तुम 2³ लिख सकते हो, इसे ऐसे लिख सकते हो, उसी तरह से इसको भी लिख सकते हो। तो जब लिख सकते हो तो फिर दिक्कत किस बात की है? ये लो, और b³ जो है इसे ऐसे b³ रहने देंगे। अब देखो तुम एक चीज समझो यहां से बेटा, ये जो सूत्र होता है ना, कौन सा जानते हो? ये सब प्लस वाला बनेगा, ये ना लाया कि हाँ माइनस वाला लाके लिखा है। हाँ प्लस वाला सूत्र बनेगा, a+b³। ये सूत्र जानते हो कि नहीं? जानते हो ना, a³ + b³ + 3a²b और +3ab²। बोलो ये फार्मूला सुना था कभी लाइफ में? हाँ सुना था कि नहीं? तो इसी तर्ज पे बच्चा देखो, तुम अगर समझो तो हमारा a³ मिल गया, b³ मिल गया। कहाँ मिला है ये? a³ मिल गया, b³ मिल गया। अगले में बेटा होता है 3a²b, तो 3 और a का स्क्वायर मतलब कि 2a², और b का मतलब यहाँ b का मान b दिया है। समझते चलो जल्दी जल्दी से, ध्यान से। अब यहाँ पे +3ab², तो ये 3 और a, देखो जो नीचे ये फैक्टर किया जा रहा है, ये इसको हल करने के बाद ऊपर की लाइन आनी चाहिए, मतलब ये उल्टा सवाल हल हो रहा है, ऐसे जान लो। ठीक है, ये उल्टा सवाल हल हो रहा है। वर्षा सिंह कुछ समझ उमझ में आ रहा कि नहीं? विजय आदि त्रिपाठी, देखो जो बातचीत कर रहा है, थोड़ा पढ़ लो बंदा, पढ़ लो नहीं तो गड़बड़ हो जाओगे। एक ही जगह पे 2a, अच्छा b का मान बताओ। तो आर्यन यादव बताओ b का मान कितना है? भाई यहाँ तुम्हें दिख नहीं रहा, b का मान b है और स्क्वायर है, तो स्क्वायर हो गया। अब अच्छा तुम लोग मुझे ये बताओ सभी, क्या ये जो है इसके बराबर है? ये इसके बराबर है कि नहीं? बोलो हाँ भाई। पीबीआर स्टडी एडिटर आप अपना कुछ काम कर लो, इसमें कमेंट में आप ना कुछ करो। हाँ डियर पीबीआर स्टडी एडिटर, आप अपना काम कर लो, क्लास में आप कमेंट में कुछ ना करो, जो जरूरी है उसको कर लो पहले, फिर हम अगर खाली हो तो मैं दूसरा काम बता दूं, बहुत सारा काम है।
कमेंट में ये जो कर रहे हैं इन्हें करने दो, मैं इनको देख रहा हूँ। जल्दी बताओ, देखो बच्चा, टू ए का क्यूब करोगे 8 ए का क्यूब आ जाएगा, बी का क्यूब करोगे बी का क्यूब आ जाएगा, 12 ए का स्क्वायर b, इसको तुम देखो तो 3 और ये 4, 12 और a² b हो जाएगा, क्योंकि 2a का क्या है स्क्वायर है। इसको देखो तो ये भी क्या हो जाएगा, 6ab का स्क्वायर, यानी सब बात बराबर है। तो बच्चा हम क्या कर सकते हैं भाई साहब, सूत्र की तरह से अगर हम चलें तो ये उल्टा सूत्र बन रहा है। समझाने के चक्कर में कितना टाइम लग जाता है ना। अब हम ले लेंगे a, a की जगह पे 2a और b³, ये आंसर हो गया। अब तुम इसको उल्टा करके देखो बेटा, ये सवाल हो गया, ये इसका हल है, ये फाइनल आंसर है, ये उल्टा हो गया, ठीक है, क्वेश्चन उल्टा दिया है। तो चाहे तो उसको लिखो और चाहे तो इसको लिखोगे, ये इसमें और इस दोनों में कोई एक आंसर लिख सकते हो। फादर खान, आराधना कुमारी, आदि त्रिपाठी, बेटा मैं तुम्हें ब्लॉक कर रहा हूँ, ठीक है, आदि त्रिपाठी, केवल पढ़ाई कर लो। वर्षा सिंह, तो एकदम पागल है पैदा हुई थी का, हाँ इतना राहपट मारेंगे ना कान बंद हो जाएगा, जान लो। अब चलो जो कमेंट कर रहा है इनको सबको ब्लॉक मारो फटाफट, इतना नालायक पैदा हो गए ये कि मैं क्या कहूँ इन्हें। चलो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। महेश गुप्ता, बेटा इसका दूसरा सूत्र नहीं है, समझ में आया सभी को क्या किया गया। ये एक प्रकार से तुम्हें आंसर दिया था बेटा, क्वेश्चन लाना था, अगर नहीं समझ में आया अभी अगला देखो आएगा, अभी अगला देखो आएगा, थोड़ा सब्र रखो, चैटिंग ना करो, गपशप ना करो। हाँ पूजा कैसी हो, वर्षा तुम स्कूल जाती हो कि नहीं, आदि तुम कितने सुंदर लग रहे हो आज, हाँ ये सुंदर ही सब तुम्हारे अंदर हो जाएगी कुछ दिन बाद, साल दो साल बाद, पढ़ लो इसलिए अभी, हाँ अभी पढ़ लो, अभी जो बाहर दिख रहा है ये गड़बड़ हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे ध्यान दो, चैटिंग नहीं करेगा कोई, जिनको करना है यहाँ से तुरंत निकल लो, अपनी जिंदगी कहीं जाके बर्बाद कर लो दूसरी जगह, यहाँ पे नहीं करो। चलो पढ़ लो भैया, पढ़ लो बाबू, अभी छोटे हो, हाँ पढ़ लो, पढ़ लो, थोड़ा देर पढ़ लो, फिर बातचीत कर लेना, अलग से मैं बता दूंगा, कर लेना, लेकिन अभी पढ़ लो। चलो देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी में, जिनको ना समझ में आया यहाँ पे ध्यान दें। 8a³ - b³ - 12a²b और +6ab²। देखो बेटा ये सेम उसी तरह का है, इसमें तुम्हें अपना दिमाग लगाना है। चलो जल्दी बताओ, मनोज यादव ये बताओ, इसमें किताब है आप लोगों के पास, इंटरनेट बीच बीच में कुछ मिस्टेक कर रहा है, इंटरनेट कुछ गड़बड़ कर रहा था। चलो देखो देखो बच्चा, यहाँ से ये समझो, ये a - b³ का सूत्र तुम जानते हो, ये भैया 3a²b और +3ab², बोलो ये फार्मूला जानते हो ना बच्चा, ये जानते हो ना बाबू। विशाल सिंह ठीक है, कोई बात नहीं, ना कमेंट करो। देखो तो हमें क्या करना है, इसी बेस पर इसको बनाना है, इसका क्यूब कर लिया हो रहा था, इसका क्यूब है इसका भी कर लिया, अब माइनस देखो समझो, ए का मान आ गया, ये बी का मान आ गया, ऐसे करते हैं। देखो ये थोड़ा समझने वाला प्रश्न है, अगर आप इसमें थोड़ा दिमाग नहीं लगाओगे तो ये समझ में नहीं आएगा, ये बहुत आसान नहीं है। अगर हल्के में लोगे चचा तो ये ना आएगा, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये इतना आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है जो समझ रहा है उसके लिए, इसलिए समझो इसको। देखो
मतलब इसमें दिमाग लगाना है, आपका माइंड जो है ना उस पे प्रेशर करके इसको समझना है। यानी हमें आंसर दिया है, क्वेश्चन बनाना है। तो भैया ओ खंभा पे चढ़ना है, लेकिन सिर ऊपर करके नहीं, सिर नीचे करके ऊपर चढ़ना है, ऐसे चलना है, समझ रहे हो? जैसे अभी हम चल रहे हैं, सिर ऊपर है पैर नीचे है ना, तो चलने को ये भी बोल रहा है, लेकिन ये कह रहा है बच्चा सिर नीचे कर लो पैर ऊपर करके चलो, ऐसे करने को ये बोल रहा है, समझो। तो ये ए का मान हो गया, ये आपका बी का मान हो गया, माइनस का माइनस 3 और ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर मतलब भाई ए का मान क्या बाबू, 2a। ए का मान क्या है, 2a। तो ये 2a का स्क्वायर इंटू बी। बी का मान क्या बच्चा, बी का मान देखो यहाँ पे भाई, कहीं से भी तुम देख लो, बी का मान ये बी का क्यूब जो है ना, मतलब बी है, ठीक है, और प्लस की जगह पे प्लस, अब देखो फिर से 3। ए ए का मान कितना आया था, चल बताओ, सभी बच्चे बताओ ए का मान, ए के मुरारी जाट, वर्षा सिंह, देवांश त्रिपाठी, अनुज, जल्दी बताओ ए का मान पूछा मैंने। बेटा ए का मान है 2a, अबे गधा, ये 2a नहीं था। और b का स्क्वायर, b का मान तो b है, तो इसका स्क्वायर कर लो, हाँ लीप दो इसको, मुंह से लीप दो, कर दो इसी में सब, हो गया ना। अब देखो बच्चा तुम एक चीज ये समझो कि 2a का क्यूब करेंगे तो 8a क्यूब आएगा, b का क्यूब करेंगे तो ये b का क्यूब आएगा कि ना आएगा, बताओ जल्दी बताओ सभी। आगे देखो अगला, इनका जब तुम हल करोगे बेटा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 तिया 12, 12a का स्क्वायर भी आएगा, माइनस का माइनस, ये प्लस का प्लस यहाँ पे है, 3 दूना 6, और ए और बी का स्क्वायर आएगा ना। यानी तुम यहाँ पे देखो राजा, तो ये सब बराबर जितना है इससे ये आ सकता है ना, आ जाएगा ना। और उसी फार्मूले पे चलो बेटा, जैसे जिस पे तुम्हें मालूम था अभी तक, क्या हो गया फिर ये, मैं सूत्र तुम्हें बहुत अच्छे से बताया हूँ, सर्वसमिका आइडेंटिटी, ये 2a माइनस बी का होल क्यूब, ये हो गया आंसर, सारा खेला इसी का था, ये लो हो गया ना ये आंसर। इसको क्यूब है तो चाहे 3 बार लिख दो ये, अथवा 2a माइनस बी, 2a माइनस बी और 2a माइनस बी, मतलब इसमें चाहे इसमें दोनों में से एक हो सकता है, फाइनल में ये लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा। सर्वसमिका जिनको नहीं याद है उन्हें समझ में नहीं आएगा बिल्कुल। जल्दी से हमारे जितने भी साथी जुड़े हैं इस सेशन को बाबू लाइक कर दो, फटाफट लाइक कर दो, बहुत जल्दी 200 प्लस लाइक करो तुरंत, 175-76 हो गया है, फिर 20-24 करना है बस। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, आगे बढ़े। राम बहादुर सिंह भाई, रविशंकर तुम तो इनका जैसे मुंह खुला वैसे दबा दिए। देखो फालतू कमेंट ना करो, नहीं तो हमारे खिलाड़ी तुम्हें ब्लॉक भी कर देंगे, ये भी जान लो, फालतू कमेंट ना करो। जल्दी करो फटाफट, हो गया। चलो अब ये बताओ मुझे, 8वां प्रश्न का बेटा 2 पार्ट तो हो गया, 2 पार्ट हो गया ना, अगला पार्ट इसमें और भी है क्या अभी भाई? एक्सरसाइज 2.5 NCERT मैथमेटिक्स जो है 9th वाली, इसमें 8वां में कितना पार्ट था? हे चचा 5 पार्ट है,
पांच पार्ट है इसमें, अभी तो दो ही हुआ है। चलो अगला देखो, आप लोग क्या कह रहे हो, इसमें के सारे पार्ट कराऊं या मैं इसको छोड़ दूं? अब बताओ भाई कितने महात्मा हैं, सारे पार्ट करवाऊं या छोड़ दूं? अब 125 ए क्यूब, 135 ए, 225 ए क्यूब, जल्दी करो भैया। चलो बाबू बहुत अच्छे, वेरी गुड, हमारे बच्चे सबसे अच्छे, आगे बताएं। ठीक है खुशी सिंह, राहुल को ब्लॉक करें, ठीक है बहुत अच्छी बात है, अब आप खुद ब्लॉक करिए, ठीक है? आप ही के नाम से लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं ना, खुशी सिंह आपका नाम ले लेकर के लोग कमेंट करते हैं ना। अब एक काम करना, जो भी आपका नाम लेके कमेंट करेगा उसके कमेंट पे क्लिक करना, उसके कमेंट पे क्लिक करने के बाद पुट यूजर ऑन होल्ड ऑप्शन आएगा, पुट यूजर ऑन होल्ड, उसे होल्ड कर देना, ठीक है? बस चलिए ठीक है, तो चलिए अब आप खुद ब्लॉक करिए इन लोग को जो आपका नाम लेके कमेंट करे। चलो देखो बच्चा, मैंने आपको सूत्र बताया है, सूत्र समझो यहाँ पे, कौन कौन सा फार्मूला था भाई, ये a माइनस बी का होल क्यूब, ये सूत्र तुम लोगों ने पढ़ा है ना बेटा। तो इसमें क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी और ये a माइनस बी, बोलो यही होता है कि नहीं? इसको थोड़ा सा और जब हम मॉडिफाइड करते हैं और आगे थोड़ा हल करते हैं तो ये ऐसे बन जाता है भाई, इसका अंदर में गुणा हो जाता है, ए का ए में तो ए का स्क्वायर हो जाता है। अब ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस हो जाता है, तीन ए और बी का बी में गुणा हो जाता है तो बी का स्क्वायर। बात समझ में आया ना सबको? तो बेटा ये सूत्र इसमें अप्लाई होगा, मतलब यहाँ से उठाओ यहाँ पटक दो। कैसे? मैंने अभी बताया ना, जैसे खंभे पे चढ़ना है हाथ पकड़, कैसे लोग चढ़ते हैं ना, इसमें खंभे पे चढ़ना है लेकिन हाथ नीचे करके पैर ऊपर करके चढ़ना है, मतलब आंसर है ये फाइनल में दिया है, इससे क्वेश्चन लाना है, समझ रहे हो ना बेटा? तो देखो यहाँ पर समझो, ठीक है? बहुत अच्छे, खुशी आने लगा आपको ना ब्लॉक करना, बहुत अच्छे, वेरी गुड, चलिए ठीक है। तो अब देखिए 27 को क्या लिख सकते हैं हम, तीन का क्यूब। भाई ये एके वही पुराने वाले एके हैं कि कोई नया वाला एके है? हाँ आपको तो मॉडरेटर बनाया गया था ना, आप कैसे गायब हो गए? चलो माइनस, अब देखो समझो, यहाँ से समझो, अबे ये सूत्र मिटाना नहीं था। वैसे तुम लोग जानते हो फार्मूला ना, जानते हो तो मैं फार्मूला मिटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। चलो अच्छा ये बताओ, 27 को हम तीन का क्यूब लिख सकते हैं, बोलो हाँ या नहीं? इसको लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं ना, तो ऐसे लिख लो। और चीज एक और समझो भाई, 125 को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, पांच का क्यूब लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो चलो फिर जब लिख सकते हैं तो रोका किसने है, ये लो माइनस। अब देखो ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है, कौन सा यार, मुझे फिर लिखना पड़ेगा, स्याही फालतू जा रही है। चलो लिख देता हूँ, ये सूत्र लग रहा है ये ठीक है, समझ में आ रहा भैया? शिवकांत समझ में आ रहा ना? अश्वनी कुमार, अनुष्का सिंह, ठीक है बहुत अच्छे अनुष्का, वेरी गुड। देखिए समझिए, माइनस में होगा आंसर, प्लस में नहीं होगा, माइनस में होगा।
देखो बेटा, ए का क्यूब इसकी जगह पे 3 का क्यूब हो गया, माइनस बी का क्यूब की जगह पे 5 ए का क्यूब हो गया, माइनस तो यहाँ पे माइनस, 3 तो यहाँ पर 3, ए का स्क्वायर। अब ए का मान क्या है मुझे बताओ, जल्दी बताओ सभी। अबे गधे, ए का मान ये यहाँ पे ए का था नहीं मान, 3 है तो 3 का स्क्वायर ए हो गया। बी, बी का मान क्या है, अभी यहां से रखा था ना, बी का मान कहाँ है, ये 5 ए है बी का मान, यानी यहां तक हो गया, यहां तक हो गया। देखो जो शुरू से समझ रहा है, दिल और दिमाग दोनों यही लगा रहा बेटा, उसी को समझ में आएगा। ये बहुत आसान नहीं है, ठीक है, ये बहुत आसान नहीं है, जो शुरू से समझ रहा प्यार से समझ में आएगा। चटपटे कर लो। हाँ, और जिन लोगों को मॉडरेटर बनाया गया जिनका कमेंट ब्लू कलर में आ रहा है, आने फिर करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। प्लस की जगह पे प्लस, आवाज बंद हो गई थी ना, अब आने लगी। ये माइक्रोफोन भाई थोड़ा बीमार हो गया बाबू, ये थोड़ा बीमार हो गया बेचारा, बहुत दिन से काम कर रहा है, बीमार हो गया थोड़ा। चलो तो 3 और a, a का मान 3, b का मान 5 a, अब बताओ आने लगी ना, आने लगी ना आवाज। मैंने कहा था कि जिन लोगों का कमेंट ब्लू कलर में आ रहा बेटा, वो थोड़ा जिम्मेदार हो गए, कंठी पहन लिए हैं, अब वो चैटिंग नहीं करेंगे। सुन रहे हो ना, वो चैटिंग नहीं करेंगे किसी से। चलो, मतलब चटपटी वाली, ये हो गया। अब देखो समझो, यहाँ पे अब देखो, ये इतना आपके पास है, हाँ इतना है, मैंने यहाँ पे क्या किया, रख दिया ना। अब बेटा यहाँ पे ये समझो, जब तुम इतना मान है तो इसकी जगह पे इतना लिख सकता है ना, बोलो इसकी जगह पे इतना लिख सकता है ना, हाँ। तो भैया हो, a माइनस बी का होल क्यूब हम इसको लिख सकते हैं, तो बाबू a का मान 3 है और b का मान 5 a है और होल क्यूब, यही लाने के लिए इतना ओझाई किया गया। बात समझ में आया ना, हाँ हो गया आंसर, आंसर हो गया चचा, लिख लो जल्दी, चलो जल्दी करो, लिख लो फटाफट, लिख लो लिख लो। हाँ, इसको तुम एक काम और भी कर सकते हो, चाहे तो वैसे लिखो या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 बार में। देखो 3 घात लगी है तो ये 3 बार में आएगा, ये दोनों आंसर हो गया, लिख लो। तो ये फाइनल आंसर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। सभी जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं, इस सेशन को तुरंत लाइक कर दें, आपकी जिम्मेदारी है उसे समझें। बहुत जल्दी आप लोग इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और अगर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रत्येक शाम को 7 से 8 बजे बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर पढ़ाया जाता है, एकदम फ्री, एक कौड़ी नहीं लगता, नहीं सब फ्री। अच्छा, मैं एक पोल कर रहा हूं, आप लोग उसमें यस या नो करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। एक पोल कर रहा हूं, उसका स्क्रीनशॉट इसका ले लो पहले। ध्यान देना, आप लोग केवल यस या नो करना, ठीक है।
मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, थोड़ा सा मुझे एक मिनट देना प्लीज, आप लोग जाना नहीं है। और बताओ मुझे क्लास, अबे काहे को भाग रहा है, क्लास 9th साइंस SCIENCE लाइव 7 AM से चलती है, आप जानते हो? ठीक है बोलो, क्लास 9th साइंस का टाइम 7 बजे से ठीक है, बताओ हाँ या नहीं। हाँ क्लास 9th साइंस लाइव का टाइम ठीक है, चलो आप लोग इस पे जवाब दे दो मुझे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसको लिख लो भैया, जल्दी से लिख लो बाबू। और हाँ, मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों से किया है पोल में, आप लोग उसका मुझे जवाब देना। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों से किया, आप लोग उम्मीद करते हैं उसका जवाब देंगे या फिर नो, और अगर यस तो सुबह 7 बजे आया करो, सुबह 7 बजे आया करो बेटा सभी। देखो किसी का स्कूल सुबह 7 बजे नहीं रहता है, पढ़ लिया करो तब जाया करो। चलो तो ये आपका हो गया थर्ड पार्ट। आप लोग ये बताओ, कक्षा 9 की NCERT गणित प्रश्नावली 2.5, प्रश्न संख्या 8 का मैंने 3 पार्ट बता दिया, तो क्या मैं चौथा बताऊं? बोलो चौथा बताऊं कि नहीं? जल्दी बताओ बेटा, चौथा बताऊं कि नहीं? ठीक है, जो लोग टाइम बदलना चाहते हैं मैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा कभी, अभी तो आज मैं नहीं बदल रहा हूं। अगर टाइम बदलेगा बेटा तो रक्षा बंधन बाद से, अगर समय बदलेगा तो रक्षा बंधन बाद, उसके पहले नहीं बदल सकता है। जो नहीं पढ़ सकता है उस टाइम पे, उसकी क्लास हम रखे रहेंगे उसके लिए, हाँ उसके लिए रखे रहेंगे, वो कहीं से आएगा तब दे देंगे, बाद में टेलीग्राम पे भेज देंगे। हाँ हाँ टेलीग्राम पे भेज देंगे, पढ़ लेना। अगला पार्ट लिखो, अगला पार्ट लिखो भैया, लिखो बाबू लिखो। AB² सब माइनस है का? नहीं ये प्लस। इसका आंसर बताओ कितना आएगा? क्या आवाज नहीं आ रही क्या भाई? हाँ आवाज नहीं आ रही क्या? क्लियर नहीं आ रही है? सही तो आ रही है, इसका आंसर बताओ कितना आएगा? सही तो आ रही है, चलो ठीक है। तो बच्चे इसका जल्दी से बताओ कितना आएगा? देखो बाबू ये बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल सा है। जैसे ये फार्मूला, अबे यार ये सब पागल हो गया का, आवाज आ तो रही है ना? बोलो हाँ आवाज आ रही ना? चलो देखो, देखो बच्चा ये मेन फार्मूला है बेटा, a - b³ = a³ - b³ - 3a²b और प्लस ये 3ab², ये आपका मुख्य सूत्र है, इसी लाइन पर हमें चलना है ठीक है, इसी लाइन पे हमें चलना है ठीक है ना बच्चा? देखो समझो, इसको ना बताऊं क्या, कर लेना यार, अब नहीं बताऊंगा इसको।
मैंने इसमें का पहला पार्ट बता दिया, दूसरा बता दिया, तीसरा बता दिया, तो कबे लौंडे तुम लोग चौथा नहीं कर सकता का? हाँ चौथा पांचवा दोनों करना आप। चलो सुनते नहीं हो सीधे ना, इसलिए बोलना पड़ता है। अब ये सारा पार्ट करोगे, इसका आंसर बताओ सबसे पहले। ये जो नो बकलोली कर रहा है ना, मैं इसको बताता हूँ अभी ससुरा को, इनको ये पढ़ने लिए नहीं आता, ये केवल जुगाड़ खोजने आता है, और जुगाड़े खोजते खोजते इसकी जिंदगी भी बीत जाने वाली है। नहीं बताऊंगा अब इसको। कौनो इसमें हमारा साथी भी जुड़ा है, कह रहा है इसको मत बताइए। ठीक है देखो, तीन तीन मॉडरेटर जुड़े हैं आज। अगर इसमें भी कोई बात कर ले रहा है तुम तीनों लोगों से बच के, तो फिर समझ लो कि लानत है तुम पे। रवि शंकर, खुशी और एके, तीन लोग मॉडरेटर हैं कमेंट के लिए, और अगर तुम तीनों लोग के रहते हुए भी लोग बातचीत करें तो फिर ये गड़बड़ है। चलिए तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। आठवां को मैंने रफा दफा कर दिया, आठवां क्वेश्चन हो गया खत्म। नौ नंबर पे आ जाओ। हाँ डांटो नहीं, इनको काटो धीरे धीरे, ये डांटने से मानने वाले हैं नहीं। एक कहावत है ना, लाते के देवता बाते से नहीं मनते, ये वामा के हैं। नाइन नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ भैया। खुशी और रवि दोनों अपनी जान बचा के बैठे हो, का बोलें। सत्यापित कीजिए, मतलब सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। ये सुनो तुम लोग, केवल टाइम आउट करना बस, परमानेंट के लिए हाइड ना करना, क्योंकि सब अपने ही साथी हैं। एकदम से ब्लॉक कर दोगे तो कभी अनब्लॉक नहीं होंगे, इसलिए 5 मिनट के लिए होल्ड करना। अगर फिर भी ये वही करें तब एकदम से कर देना। देखो बच्चा, इसको सत्यापित करना है, इसमें का पहला पार्ट है यक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब इक्वल यक्स प्लस वाई, मतलब ये सर्वसमिका दी गई है बच्चा तुमको, और इसको सिद्ध करना है। ये लो, ये एक आइडेंटिटी दी गई है आपको, इसे प्रूव करना है, प्रूव करके आपको इसको दिखाना है कि ये सही है। ठीक है विपिन कुमार, समझ में आ रहा है? लाइव सॉन्ग निखिल कुशवाहा, निखिल को भाई बता दो सब ठीक है कि नहीं, इनको बता दो पहले, इनको होल्ड कर दो। तो चलो देखो, आप लोग यहाँ पे समझो, अभी अभी मैंने आपको एक और सर्वसमिका बताया था ना, नाइन नंबर को करने के पहले। बच्चा देखो एक चीज़ समझो तुम यहाँ पे, वो क्या है, वो क्या है, हमें पता है, तुमको भी पता है, इसका सूत्र जानते हो ना, इसका सूत्र जानते हो ना कि नहीं जानते हो? देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, यहाँ समझो, यक्स प्लस वाई इसका होल क्यूब, ये क्या होता है बच्चा देखो, यहाँ से समझो थोड़ा सा, तो थोड़ा सा समझो तो ना राजा, यहाँ समझो, ये यक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस थ्री यक्स वाई, यानी ए प्लस बी का होल क्यूब है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी, हाँ, और ये ब्रेकेट में क्या होता है, यक्स प्लस वाई। पहले बताओ ये होता है कि नहीं, ये होता है कि नहीं होता है? संदीप रावत पढ़ाई कर लो बेटा पहले, संदीप रावत पहले पढ़ाई कर लो, फिर हम तुमसे बात करेंगे बाद में, पहले पढ़ लो, पढ़ लो पहले पढ़ लो, ये होता है ना। तो हमें जो ये सूत्र दिया है जो सिद्ध करना, इससे कोई मतलब नहीं है। हम पहले यहाँ लिखेंगे, इनको हटाओ, किनारे मारो, दो लात बगल कर दो, यहाँ पे लिखो, हम जानते हैं, अब का जानते हैं, हम
हम ये फार्मूला जानते हैं, इसको लिख दो वहां पे ऊपर ले जाके। चलो जो दिया है उसको दिए रहने दो, हमें उसको सिद्ध करके दिखाना है बस, हमें इसको ला के दिखाना है कितना बराबर इतना होता है। हम जानते हैं x प्लस वाई, चलो इसको लिखो हम जानते हैं। अब देखो बेटा यहाँ से समझो, वी नो दैट, ओके इंग्लिश में लिखोगे वी नो दैट। अब देखो बच्चवा हम क्या करेंगे ना, क्योंकि हमें इसको लाना है बराबर, इसको अकेले दिखाना है ना, देखो यहाँ दिया है ना, तो हम इसको इधर छोड़ देते हैं, बाकी सारा टीम इधर ले आते हैं, समझना। तो ये x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस ये 3xy और x प्लस वाई हो जाएगा, और ये बराबर ये कलुआ और मोहन दोनों एक तरफ अकेले बचेंगे। सबको समझ में आया ना बेटा, ये जितना मैंने अंडरलाइन किया है इन दोनों छुटकौआ को छोड़ करके इधर साइड, बाकी ये चाचा लोग इधर आ गए। समझ में आया ना सबको, ये इतना जितना मैंने ऊपर से अंडरलाइन किया है ये इधर आ गया दूसरी साइड, तो यहाँ पे चिन्ह जो प्लस था बेटा माइनस हो गया, और ये वैसे का वैसे रह गया। अब देखो अब तुम कहानी समझो, अब तुम कहानी समझो रियल वाली, अब क्या होने वाला है। इनको अगर हम एक बार इधर ला के लिखें फिर उनको उधर लिखें तो बात तो वही होगी, हाँ बात तो वही होगी। तो हम एक काम ना करें, इनको इधर उधर काहे को लिखें, इनको ऐसे ना रहने दें, इनको हम ऐसे ना रहने दें जैसे हैं ये, क्यों नहीं, लेकिन तुम लोग समझ भी तो ना पाओगे। चलो ठीक है, इनको इधर ले आओ फिर, इनको इधर ले आओ, थोड़ा सा समझने में अटपटा लगेगा, फिर तुम कहोगे समझ में नहीं आ रहा है। इनको ऐसे लिखो, मैंने पाल्हा बदल दिया बस, बाकी कुछ नहीं करा है, सिर्फ पाल्हा बदला है। इनको इधर ले आए हैं, इन सबको उधर ले गए बस, इसको सीधा करने के लिए उल्टा हो गया था। अब देखो बच्चा यहाँ से तुम समझो, अब यहाँ से तुम कहानी समझो पूरा, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, अब तुम समझो। मिटाएं, इधर साइड में जगह है, हो जाएगा ना, हाँ यहाँ पे थोड़ा छोटा करके लिखेंगे आ जाएगा। चलो अब उधर देखना, समझना। देखो बच्चा इसमें x प्लस वाई है, इसमें भी x प्लस वाई है ना बेटा, बीच में माइनस है, तो हम क्या करेंगे ना, हम इसमें x प्लस वाई कॉमन ले सकते हैं, बोलो ले सकते हैं कि नहीं। सर्वेश कुमार, कुंदन गुप्ता, ले सकते हैं कि नहीं, बोलो हाँ। तो बच्चवा हम क्या करेंगे, इनको ऐसे लिख लेंगे चुप्पे से, x का ये क्यूब और ये प्लस वाई का क्यूब इक्वल, इसमें x प्लस वाई कॉमन ले लेंगे। मुझे लग रहा आएगा नहीं, उसमें जगह है नहीं, कैमरा थोड़ा उधर घुसकाता हूँ, आएगा रुको, थोड़ा उधर खिसका के दिखा रहा हूँ, टेंशन मत लेना, जाना नहीं, मैं एक ही स्क्रीन में पूरा दिखा दूंगा, थोड़ा मुझे छोटा करना पड़ेगा अक्षर, हाँ भागना मत, टेंशन मत लेना। चलो ठीक है बेटा, जगह बढ़ गई ना, चलो ठीक है जगह बढ़ गई। अब समझो मुझे एक ही स्क्रीन पे दिखाना है पूरा हल। तो बच्चा जब इसमें हम x प्लस वाई कॉमन ले लेंगे बेटा, तो ये स्क्वायर में बचेगा अंदर में ना, समझो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बचेगा और माइनस ये 3xy बचेगा। बोलो दिख रहा है कि बाहर निकल गया, बोलो दिख रहा है ना। यहाँ के बाद मैंने क्या किया, इसमें से x प्लस वाई निकाला, इसमें से x प्लस वाई निकाला, तो देखो बेटा ये तीन घात था, एक निकल गया इसलिए दो घात बचा। इतना सबको समझ में आया बोलो यस, सबको समझ में आया बोलो यस। चलो अब देखो बात बन रही है, सिस्टम सही हो रहा है ना। अब
युकांत पढ़ाई कर लो भैया, हाँ कर लो पढ़ाई, कर लो कर लो। देखो जो समझेगा उसको समझ में आएगा, जो ना समझेगा उसे बिल्कुल ना आएगा बेटा। अब देखो एक चीज समझो, ये यक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब इक्वल, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सूत्र जानते हो लल्लू कि नहीं? पहले मुझे ईमानदारी से बताओ, ये सूत्र कितने बच्चे नहीं जानते ये बताओ? ये सर्वसमिका जानते हो ना? अब इसमें यही सर्वसमिका लगेगी, बीच में यही वाली लगेगी, थोड़ा छोटा छोटा भले दिख रहा होगा ना, अभी मैं तुमको जूम करके दिखा दूंगा, टेंशन मत लो, अभी एक एक पॉइंट जूम कर दूंगा, रुके रहो। तो ये हो जाएगा बेटा यक्स प्लस वाई, ऐसे रहेगा, अंदर में सर्वसमिका लग जाएगी, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी हो जाएगा, टू ए बी का मतलब इसमें टू एक्स वाई, और प्लस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर का मतलब इसमें वाई का स्क्वायर, और माइनस तीन एक्स वाई। पूरा दिख रहा है ना, पूरा दिख रहा है ना? मैंने क्या किया, इस सर्वसमिका को ओपन किया, इतना दूर इतना, देखो स्टेप बाय स्टेप, जो समझ रहा है उसको समझ में आ रहा है, और जिसको नहीं समझना है वो नहीं समझ रहा है, तो ठीक है कोई बात नहीं, अभी मैं जूम करके दिखा दूंगा, टेंशन मत लो, नहीं दिख रहा होगा तो इसको जूम कर दूंगा, चलो ठीक है ना बच्चा? तो लो इधर साइड का मैं तुम्हें जूम कर देता हूँ, ये लो इतना समझ लो, फिर मैं अभी और उधर का दिखा दूंगा, चलो इतना समझ लो, इतना समझ लो, इतना पहले समझ लो, फिर उधर का दिखा दूंगा, पूरा दिखा दूंगा, पहले इतना समझ लो। तो बेटा देखो ये फाइनल में हो जाएगा यक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब इक्वल यक्स प्लस वाई, अभी पूरा दिखा दूंगा एक बार में, टेंशन मत लो। अब ये प्लस टू एक्स वाई और ये माइनस तीन एक्स वाई बेटा, ये दोनों घट जाएगा, तो दोनों घटेगा तो यक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई का स्क्वायर बचेगा। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें सिद्ध क्या करना था? जो सिद्ध करना था वही आ गया ना, लिख दो इति सिद्धम, अतः सिद्ध हुआ, हो गया कि नहीं? हाँ बोलो, हो गया सिद्ध कि नहीं? हो गया, हो गया ना बच्चा? अब चलो इनको मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, इतना मैं वो भी दिखा दे रहा हूँ पीछे वाला, जल्दी करो, इतना स्क्रीनशॉट ले लो, ये पहला इतना था, ये पहला इतना था, इधर साइड में जो अब स्क्रीन पे दिख रहा है ये पहला था, ये पहला था ठीक है, और ये दूसरा भाग इधर साइड में लगा, इसमें का क्वेश्चन एक है, दोनों को अगर मैं तुम्हें एक साथ में दिखाऊं तो कुछ ऐसे बनेगा, ये लो स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहो तो, मैं आगे बढ़ता हूँ अब इसको छोड़ के। हाँ पूरा फुल स्क्रीन में तुम्हें दिख रहा है, चलो हो गया ना, सभी बच्चा लिख लिया, चलो तो आपका ये 9 नंबर का पहला पार्ट हो गया, ये बताओ इसका दूसरा पार्ट कौन कौन कर लेगा, इसका दूसरा पार्ट कौन कौन बच्चा कर लेगा बोलो, कर लोगे ना बेटा कि नहीं कर पाओगे? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर के इस साइड आए तो नहीं तो माइनस होगा। हाँ देखो भाई, कोई क्वेश्चन कर रहा है कि ये इधर साइड आएगा तो माइनस होगा, ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, सुनो सुनो, देखो ये पूरा पूरा इस साइड आ रहा है ना, और ये पूरा पूरा बेटा उस साइड जा रहा है, तो जब बराबर का लेना देना हो रहा है तो कोई कर्जा नहीं होता है, समझ रहे हो ना? अगर ये सिर्फ अकेले इधर आता, इधर से उधर ना जाता कुछ, तब तो माइनस होता,
लेकिन पूरा इधर का पद उधर आ रहा, उधर का उधर आ रहा, मतलब कुर्सी बदली जा रही है। तुम मेरे पे बैठ जाओ, मैं तुम्हारे पे बैठ जाऊं, तो ऐसे में कोई माइनस नहीं होता है। ठीक है, तो सभी बच्चे इसका दूसरा पार्ट कर लेंगे ना, कि नहीं कर पाओगे बाबू? देखो सुबह 7 बजे वाली साइंस क्लास का टाइम लगभग 75% बच्चों ने माना कि ठीक है, और 200 बच्चों ने वोट करा है। देखो बेटा स्क्रीन पे तुम्हें एक वोटिंग के लिए पोल दिख रहा होगा, जिसमें पूछा गया कि सुबह 7 बजे साइंस का टाइम ठीक है या नहीं। तो अगर आप सुबह 7 बजे साइंस पढ़ सकते हो तो यस करना, और नहीं पढ़ सकते हो तो नो करना। सभी बच्चे करो। लेकिन सुबह 7 बजे पढ़ना, सिर्फ यस या नो नहीं करो, पढ़ाई भी करना आके। ठीक चलें आगे बढ़ें। हाँ, खेल खत्म, पैसा हजम। चलो फिर ठीक है, कैमरा थोड़ा नीचे कर दिया मुझे लग रहा है। ये सब गरीबी दिखने लगी इसमें। देखो समझो, क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा पार्ट कर लोगे ना तुम लोग? 8 भी बच गया वैसे, अब सभी बच्चे कर लोगे ना सेकंड पार्ट? देखो बेटा, जैसे पहला बताया हूँ वैसे दूसरा कर लेना, और मैं अब दूसरा नहीं बताऊंगा। आज तो 9 बजे से क्लास भी है भाई हमारी अगली वाली। हाँ, आप नहीं बताऊंगा? ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। चलो ठीक है, तो अब 9 बजे से क्लास है। अब आज का ये क्लास यहीं पे एंड होगा बेटा। देखो आप लोग को एक बात बता दूं, अगर आप सभी सारी फ्री क्लास पढ़ना चाहते हैं तो PBR स्टडी का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। उसके लिए क्या करना है सुन लो, मैं लिंक भी दे दे रहा हूँ अभी। भाई रविशंकर लोग, आप लोग लिंक दे दो अगर हो तो। टेलीग्राम पे जाके PBR स्टडी सर्च करोगे मिल जाएगा, टेलीग्राम एप्लीकेशन में PBR स्टडी सर्च करोगे चैनल मिल जाएगा, जिसमें लगभग 2500 बच्चे जुड़े हैं और आप लोग पढ़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। हाँ और एक काम सुनो, अगर आप लोग नहीं जानते हो कि टेलीग्राम क्या है, कौन से जानवर का नाम है, तो YouTube पे जहाँ तुम पढ़ रहे हो वहाँ पे बोल के चाहे लिख के सर्च करो टेलीग्राम PBR स्टडी। ये तीनों लाइन लिखना दोनों, सब जितना है यहाँ पे टेलीग्राम PBR स्टडी। तुम्हें एक वीडियो मिल जाएगा ऊपर, और उस वीडियो में तुम्हें सारी क्लास जो है, मतलब वो टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करते हैं, क्या होता है, इसका फ़ायदा नुकसान सब बताया है। उस वीडियो को देख लेना, हो जाएगा क्लियर। तो आज का ये क्लास यहीं पे बंद करते हैं बेटा। टेस्ट की कॉपी चेक होगी, टेस्ट की कॉपी फ्राइडे को चेक होगी, सैटरडे को रिजल्ट आएगा। हाँ, और उसी सैटरडे को अगला टेस्ट भी होगा। तो जिस दिन अगला टेस्ट होगा, तो उसी दिन होगा सब। ठीक है, हाँ एक ही दिन होगा भाई, चुप रहा। तो चलो फिर बंद करें आज के लिए, इतना ही। अगर आप लोग का कोई और भी सवाल है तो बता दो, नहीं तो बंद करते हैं, ओवर हो गया। चलो, और जो अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किए बाबू, तुरंत लाइक कर दो, फिर जाओ। हाँ, लाइक करके दोस्तों में जरूर शेयर करना, फटाफट देर ना करना। चलो फिर बंद करते हैं। आराधना कुमारी क्या हुआ, कौन सी मुसीबत आ गई आपको? हाँ चलो ठीक है। ए सुनो सुनो, अभी मैं एक बात और बताने वाला हूँ। दिख रहा है क्या? मैं दिख रहा हूँ क्या? मैं दोबारा आया हूँ, एक बार मर के जिंदा हुआ जिसे बोलते हैं। एक बार लाइव बंद कर दिया था, फिर से चालू करा हूँ। तो मैं ये बोल रहा था कि रात के 9 बजे से बेसिक होगा,
रात के 9 बजे से बेसिक होगा। अगर आपके घर में कोई बड़ा भैया दीदी पापा अंकल आंटी हैं जो गणित सीखना चाहते हैं, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता है ना, एकदम गोबर है मैथ में ना, तो उनको गोबर से हीरा चांदी बना दिया जाता है। पढ़ेंगे जरूर, बता देना, रात के 9 बजे बेसिक मैथ की वैक्सीन लगेगी आज रात 9 बजे, आ जाना जिसको जिसको लगवाना है।